हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हम लोग लखनऊ सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर। और यहाँ की खूबसूरती आप देख ही रहे हैं। यहीं पे क्लॉक टावर दिख रहा है आपको, शाही दरवाजा दिख रहा है। अली शाह तीसरे जो नवाब थे, उन्होंने ये घंटाघर ताला बनवाया था गरीबों के लिए, ताकि वो यहाँ नहा सके अच्छे से, क्योंकि तब सबके लिए उतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी, ना घर में बाथरूम रहता था। तो ये सब जनता के लिए सोच के उन्होंने बनाया था। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन यमुना नदी से है, तो जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर वापस भी चला जाता है, तो उस तरह से है। यहाँ लोग टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग घूमने भी आते हैं। और ये तो क्लॉक टावर आप देख ही रहे हैं, ये पूरे दिन लखनऊ का समय बताता रहता है। वो गैलरी है, तो पुराने जो राजा रहते थे उन लोग की इतनी आर्टिस्टिक फोटोज है वहाँ पे कि आप एक जगह से देखेंगे वो पूरे बिल्डिंग में आपको देखते हुए ऐसा वो फोटो आपका पीछा करेगा। इतनी 3D है। उस टाइम में डायमंड के पाउडर से बनाई गई है और रियल ज्वेलरी से बनाई गई है, आज भी आपको नहीं मिलेगा, इतना आर्टिस्टिक है। और यहाँ पे जितने सारी बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और जो जो भी बनाए राजा है, उन लोगों की वहाँ पे तस्वीरें हैं, काफी बड़ी बड़ी और इतनी डिफरेंट है, इतनी मिस्टीरियस, इतनी आर्टिस्टिक है कि आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलता। इसको मोहम्मद अली शाह बादशाह ने बनाया था गरीबों के नहाने धोने के लिए। अब इससे म्यूजिकल फाउंटेन चलता है शाम में 6:30 बजे, अच्छा सा शो होता है। पहले ये ऊपर तक भरा रहता था, यहाँ भी ये गोमती नदी से कनेक्ट था, अब इसको बंद कर दिया गया। तो ये तालाब था गरीबों का और ये क्लॉक टावर है, इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये सेकंड लार्जेस्ट क्लॉक टावर है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये सेकंड लार्जेस्ट क्लॉक टावर है, 180 फीट का। इसकी जो ऊपर की चिड़िया आप देख रहे हैं, बर्ड देख रहे हैं, ये हवा का रूप बता रही है और जो वॉच लगी है वो टाइम बता रही है। अभी ओल्ड लखनऊ से आए हम लोग, वहाँ पे चिकन करी की जो फैक्ट्री है वहाँ पे भी गए थे, कहाँ होता है। आज बारिश से फैक्ट्री तो बंद थी, लेकिन फिर भी हम लोग को दिखाए वो लोग कैसे बनता है। कुछ लेडीज थी और साड़ी सूट कुर्ते थोड़ा तो कुछ खरीदे हैं हम लोग, बाद में दिखाऊंगी मैं। बनाती है जो काम दिख रहा है इसको मुड़ी वर्क बोलते हैं, ये फ्रंट से बनता है, इसके ऊपर से स्टिचिंग होती है, जैसे ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, इस टाइप से स्टिचिंग होती है छोटी सी। और जो ये शेडो वर्क देख रहे हैं ये बैक साइड से बनता है, क्रॉस वर्क जितनी फिनिशिंग जितनी बारीकी होगी उतना एम्ब्रॉयडरी पे डिफरेंट आता रहेगा। ये फ्रंट बैक ये इसका है, फिर बाद में ये दो बार केमिकल वॉश होगा, जितना गंदा दिख रहा है प्रॉपर वाइट है, आफ्टर वॉशिंग एकदम सॉफ्ट और वाइट होगा। इसीलिए चिकन का कपड़ा आप कहीं से भी लें, ना श्रिंक होगा ना कलर जाएगा, क्योंकि वो केमिकल वॉश हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका जी। तो एक कुर्ती बनाने में कितना टाइम है? एक ये देख रही इतना सा काम बना, इसको 6 मंथ हो जाएगी, 9,000-10,000 की रेंज में आएगा ये। बाकी नॉर्मल जो कुर्तियाँ होती हैं आपको 500-600 वाला, वो आपको 1 वीक में या 4 दिन में ऐसे ही कंप्लीट बनता है। तो ये पूरे क्लॉथ में एक ही साथ बनाते हैं, ऑप्शन है। रेडीमेड जो कुर्ती है उनका ब्लॉकिंग अलग होता है और ये अनस्टिच जो फैब्रिक होता है उनका ब्लॉक अलग होता है, सबके ऑप्शन अलग। आपका अपना फैक्ट्री जी बहुत बड़ा फैक्ट्री बैस हुई थी, कितने वर्कर्स काम करते हैं? कम से कम लेडीज से जो है वो 200 के आसपास है जी। लेडीज से ही काम बनाती, मैं तो छपाई वगैरह करते हैं, बाकी सारा जितना भी ब्लॉक होता है मैंने दिखाया ना जिसपे एम्ब्रॉयडरी बनती है ना उसके ब्लॉक होते हैं वो सब मैं। अब जो ये रेगुलर वाली कुर्ती है ये आपका 3 दिन में भी बन जाता है, 4 दिन में भी बन जाता है। इसका प्राइस कितना होता होगा? 500 सब अलग अलग है, ये 650 के रेंज टाइप के बहुत सारा तुम्हें जो। तो ये फिक्स प्राइस है, बार्गेनेबल है? नहीं, बार्गेनिंग नहीं होती, में मार्केट से ऑलरेडी प्राइसेस कम रहते हैं। आप मैंने जैसे 650 की दिखाई है, आप मार्केट में देखोगे तो 859 को ले लो। बताओ वो सब भी सही अलग है, बोलिए अलग है, हां अलग है, दिखाओ हां क्या करो। हां बहुत सारे हैं, मेरी फ्रेंड को लेना है, ये हो जाए तो हम उसको कॉल करते हैं। पर कली बात दरवाजा के पास आए हैं हम लोग। लखनऊ में रूमी दरवाजा काफ़ी फेमस है, तो जो
मदर मूवी पहली वाली देखे होंगे आप, उसमें लाहौर का गेट किसी को दिखाया गया है। और इसका इसको 1784 में नवाबुद्दौला के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आपको पीछे से केवल एक ही फ्लोर लगता है, ये यहाँ की बनावट का जो भी है हिस्ट्री। तो यहाँ लखनऊ में जितने भी आपको इस तरह के बिल्डिंग दिखेंगे उसका जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए भी लखनऊ काफ़ी फेमस है। यहाँ का आर्ट कल्चर बाकी जगहों से बहुत अलग दिखता है, थोड़ा थोड़ा हैदराबाद से मिलता है बट यहाँ की तो बात अलग है। जा